स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज सिविल साइट नॉलेज लेकर आया है कि किस दिशा में टॉयलेट बनाना उत्तम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। घर तो लोग बना लेते हैं लेकिन डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस दिशा में टॉयलेट होना चाहिए, प्रॉपर वे। ओके, बहुत ही जरूरी है। इसका जो स्थान होता है, आपके घर जो बनाते हैं उस घर में टॉयलेट का स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर वे में होना चाहिए, जहां इसका पोजीशन है वहीं होना चाहिए। लोग जो निगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। अब पॉजिटिव एनर्जी आप लाना चाहते हैं घर में कि मेरे घर में पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव हो, एनर्जी आए, तो टॉयलेट का स्थान बहुत ही जरूरी है। देखिए, सिविल साइट नॉलेज का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अभी तक सिविल साइट नॉलेज को आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, घंटा आप जरूर दबाएं। ओके, इससे क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा कि सिविल साइट नॉलेज से वीडियो अपलोड हुआ है, और सिविल साइट नॉलेज हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सा डायरेक्शन आपको बेस्ट माना जाता है टॉयलेट के लिए। ओके, देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई सा भी प्लॉट है। पहला नंबर, आप प्लॉट आपके पास जो रहेगा उसी प्लॉट में तो आप घर बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कि बाहर बनाएंगे, टॉयलेट भी बाहर नहीं बनाना है। ओके, तो ये आपका प्लॉट एरिया है, इसका डायरेक्शन आप जान लीजिए कौन सा किधर डायरेक्शन है। नॉर्थ इधर है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, डायरेक्शन जान लीजिए। देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर से बाहर टॉयलेट होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये सच है कि घर जो आप बना रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पास जो प्लॉट है इसमें ही आप इस एरिया में घर बना लिए और टॉयलेट इधर बना दिए, ओके, तो ये तो बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आजकल लोग, हर लोग चाहते हैं कि मास्टर बेडरूम है, बेडरूम के से अटैच ही टॉयलेट है, कहीं जाना ना पड़े, ये बेडरूम है, यहां सोने का स्थान है, ये टॉयलेट बना लिए। ओके, इसके लिए डायरेक्शन कहां होना चाहिए, क्लियर। तो बेसिकली पहले के लोगों को माइंड में ये था, लेकिन आज जैसे ही देखिए मॉडर्न होते जा रहा है, हर लोग के थिंकिंग चेंज होते जा रहा है, तो अगर आप बनाना चाहते इसके लिए डायरेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा किसका डायरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सोचिए, ठीक है। देखिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसका डायरेक्शन आप भी खुद डिसाइड कर लेंगे नहीं ये सही है। देखिए, आपका जो भी प्लॉट एरिया है जहां आप बनाना चाहते हैं क्या टॉयलेट है ना, तो इस प्लॉट को 9 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कितना पार्ट में? 9 पार्ट में। देखिए, ये हमने डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप अपने प्लॉट का 9 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इससे भी अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसको भी 9 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इसको 3 पार्ट में, इसको 3 पार्ट में, इसको 3 पार्ट में, लेकिन इतना ही पे आप समझिए। ओके, देखिए, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर, और ये साउथ और ईस्ट कॉर्नर, ओके, और ये साउथ और वेस्ट कॉर्नर, ये नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर, क्लियर। जब कभी भी आपको टॉयलेट बनाना है, मैं आपको बता दूं टॉयलेट का डायरेक्शन बेस्ट कौन सा होता है, कभी भी आपको टॉयलेट बनाना है तो मैं पहले ये बता दूं कहां कहां आपको नहीं बनाना चाहिए। ओके, सेंटर में कभी भी आपको टॉयलेट नहीं बनाना है। रीजन, अगर वास्तु बताया जाता है कि जो वास्तु पुरुष होते हैं, ओके, अगर वास्तु शास्त्र को मानते हैं तो आप घर में कभी भी सेंटर में टॉयलेट नहीं बनाए। ऐसे भी ये ओपन एरिया होता है, ओके, लाइटिंग के लिए ओपन छोड़ा जाता है, तो यहां टॉयलेट बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो सेंटर में आप कभी भी टॉयलेट ना बनाए। ये देखिए जो होता है, ये देव स्थान होता है, नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है ये आपका देव स्थान होता है। इधर पूजा रूम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बाथरूम भूल के भी ना बनाए इस एरिया में। कैसे?
इसका भी मैं रीजन बता दूं, ये ईस्ट जो डायरेक्शन है तो इधर से सनराइज होता है, मॉर्निंग में जो होता है कि आपका सनराइज होता है, तो पॉजिटिव एनर्जी आपको घर में इंटर करेगा। अगर यहां पे संडास बनाते हैं इस डायरेक्शन में, ये पूरा मैं डायरेक्शन बता रहा हूं आपको, यहां भी नहीं बनाना है, यहां भी नहीं बनाना है, ओके। ये अग्नि कोण है, साउथ और ईस्ट जो कॉर्नर है अग्नि का स्थान है, यहां आपका किचन प्रोवाइड करना है, तो इस डायरेक्शन में आपको टॉयलेट तो बनाना ही नहीं है इधर, ओके। और ये देव स्थान माना जाता है, ये देवी देवता का स्थान माना जाता है, इधर पूजा रूम बनाते हैं, जो रूम का हेड जो होते हैं वो लोग इधर रहते हैं, जो कि फैमिली के मेंबर का हेड, ओके। तो इस डायरेक्शन में नहीं बनाना है आपको, ये डायरेक्शन जो दिख रहा है ना ये बेस्ट माना जाता है, ये इसका सेंटर कर लीजिएगा, इसका हाफ कर लीजिएगा, हाफ से इधर इस एरिया में आप टॉयलेट बना सकता है। इमरजेंसी कभी कभी अगर इस एरिया में आप अगर टॉयलेट नहीं बना पाए, देखिए जो वेस्ट डायरेक्शन है आपको कहा, वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट माना जाता है, और साउथ, साउथ में भी आपको हाफ छोड़ करके यानी कि हाफ से इधर आपको टॉयलेट बनाना है। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, कभी भी कोई सा भी कॉर्नर, जैसे ये कॉर्नर हो गया, इस कॉर्नर पे आपको नहीं बनाना है, कॉर्नर को छोड़ करके एक्सेप्ट कॉर्नर आप इस एरिया में टॉयलेट बना सकते हैं। इमरजेंसी इनकेस अगर इधर भी नहीं बनाना है, यहां पे भी इमरजेंसी, कभी कभी अगर मान लीजिए इस एरिया में आप टॉयलेट नहीं बना पाए तो आपको इस एरिया ये सेंटर से यहां बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इधर ना बनाए, आपको पूरा साइड में तो बनाना ही नहीं है, नॉर्थ साइड में अगर एक दो पार्ट छोड़ करके, ये दो पार्ट में नहीं बनाना, एक पार्ट में बना सकते हैं टॉयलेट, और वेस्ट डायरेक्शन में पूरे तीनों पार्ट में आप टॉयलेट बना सकते हैं, ओके। अगर मान लिया जाए कि देखिए ये तो प्लॉट की बात है, अगर आप मास्टर बेडरूम रखना चाहते हैं कि मास्टर बेडरूम है जिसमें टॉयलेट भी रहता है और बेडरूम भी रहता है, ओके, इसका भी कैसे डिसाइड करें, इसमें कहां प्रोवाइड करें, मान लीजिए बेड लगा लिया आप, ये बेडरूम हो गया आपका, बेड है ओके बेडरूम में, ओके, इसका भी डायरेक्शन होगा कोई ना कोई, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ओके। तो अब आपको क्या करना है, इसमें भी आपको यही वाला एरिया को सिलेक्ट करना है, वेस्ट डायरेक्शन में इधर ही टॉयलेट बना सकते हैं, और ये हाफ से इधर इधर, लेकिन ये नहीं कि आप इधर ही बनाएंगे, इसमें भी यही नियम लागू होता है कि आपको भी वेस्ट डायरेक्शन में और साउथ इधर साउथ हाफ, ओके, हाफ में नहीं बनाना है, इधर बना सकते हैं। तो ये रहा टॉयलेट का डायरेक्शन। अब देखो, देखिए मैं आपको बता दूं इसका साइज, अगर इसमें आप सिंगल रखना चाहते हैं टॉयलेट, सिर्फ टॉयलेट रहेगा, यूरिन रहेगा, ओके, वाटर क्लोसेट सिर्फ बनाना चाहते हैं तो 4x4 रख सकते हैं, अगर आपको 4 फीट बाई में 4 फीट, ओके, अगर आपको दोनों लेट प्लस बाथ दोनों रखना है, आजकल दोनों चल रहा है, तो दोनों रखना है तो 4x8 फीट रखे आपका, सॉरी 8 फीट, 4x8 फीट का एक बनाए और उसमें आपको दोनों यानी कि हाफ में क्या हो जाएगा, टॉयलेट हो